हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शर्लॉक हियर. सो फाइनली पबजी मोबाइल का जो न्यू अपडेट है वर्जन 0.15.0 कल रिलीज़ हो गया था. एंड आई थिंक अभी तक तो सबने अपडेट को डाउनलोड करके ट्राई कर लिए होंगे सारे नए फीचर्स. बट इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू गाइस जो भी नई चीज़ें आई हैं और मेरा उनको लेके क्या ओपिनियन है. सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए. लेट्स गेट स्टार्टेड. Guys, now we have two options in training ground, TPP and FPP. Finally, we have a FPP training ground in PUBG Mobile. I think ये बहुत ही अच्छा फीचर आया है बिकॉज बहुत लोग होते हैं वो FPP खेलते नहीं हैं एंड आई थिंक सबको FPP में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो अपने गन स्किल्स एंड अपना गेम सेंस इम्प्रूव कर सके. सो जिन लोगों को भी FPP में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में आके अपने मूवमेंट्स ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि उन्हें उससे थोड़ी हेल्प मिले एंड उनको रियलाइज़ हो कि FPP इज़ बेटर टू एक्चुअली इम्प्रूव योर गेम प्ले. एक नया चेंज आया है SMG गन्स में. जो वेक्टर थी उसमें एमो चेंज कर दिया. उसमें पहले 0.45 ACP होता था, नाउ उसमें एमो डलता है 9mm. और जो UMP 9 थी उसको रिप्लेस कर दिया UMP 45 से. तो उसमें 9mm डलता था और अब उसमें डलता है 0.45 ACP. तो दोनों गन्स का जो एमो है वो इंटरचेंज कर दिया गया है. और एक नई पिस्टल आई है, दैट्स डिजर्ट ईगल. उसमें एमो डलता है 0.45 ACP और अटैचमेंट्स उसमें लगते हैं SMG के. गाइस, अगर ग्रिप की बात करें तो वेक्टर और UMP में आप कोई भी ग्रिप लगा सकते हो, बट जो पिस्टल है डिजर्ट ईगल उसमें सिर्फ लेजर साइट इक्विप हो सकता है. और एक नया चेंज आया है, पहले हम लोग पिस्टल में सिर्फ रेड डॉट इक्विप कर सकते थे, नाउ वी कैन इक्विप होलोग्राफिक साइट इन द पिस्टल्स. सो गाइज, यहाँ पर मुझे एक बॉट दिखता है तो आई थिंक ऑफ किलिंग हिम विद द न्यू पिस्टल. सो मैंने उसको हेड पे सिर्फ एक शॉट मारा एंड ही इज डेड. सो यू गाइज कैन सी जो पिस्टल है नई डिजर्ट ईगल उसका डैमेज काफ़ी हाई है. गाइज, UMP 45 में हमें एक राउंड मिलता है 25 एमो का और एक्सटेंडेड के साथ इट गोज़ अप टू 35 एमोस पर राउंड. और जो वेक्टर है उसमें एक नॉर्मल राउंड होता है 19 एमो का और एक्सटेंडेड के साथ पर राउंड वी हैव 33 बुलेट्स. अनदर न्यू थिंग इज अ न्यू व्हीकल, द BRDM 2. ये फ्लेयर ड्रॉप का व्हीकल है. जो पहले हमारी आर्मर्ड US थी, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दिस व्हीकल. एंड आई थिंक ये बहुत बेटर है उससे तो, बिकॉज उस US को आई डोंट रिमेम्बर कितने लोग एक्चुअली एडवांटेज मानते थे उसका. एंड ये अच्छी इसलिए है, आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ पता है, बट ये व्हीकल पानी में भी चलता है. एज यू गाइज कैन सी, मैं इसको पानी में ले आई हूँ. उसको थोड़ा सा टाइम लगा लाइक अंदर जाके ऊपर आने में, बट इट वर्क्स इन वाटर ऑल्सो. इसका स्पीड थोड़ा स्लो है एंड स्पीड से ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है ये फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और पानी में और ज़्यादा, तो वो एक डिसएडवांटेज है. देखो, जैसे मैंने जब इसको लिया फुल टैंक था, एकदम फुल था, और जब तक मैं वापस पहुँचूँगी देखना कितना कम गैस बचेगा इसमें. ये एक फ्लेयर ड्रॉप ओनली व्हीकल है तो ये हमें तभी मिलेगी व्हेन वी शूट अ फ्लेयर इन द गेम आउटसाइड द प्ले जोन. एंड ऑल्सो गाइज, इस व्हीकल में आप लोगों को बिल्कुल डैमेज नहीं होगा इफ समवन शूटिंग एट यू, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग. BRDM 2 का एक और एडवांटेज ये है कि इसके जो टायर्स है वो बर्स्ट नहीं होते हैं. तुम कितना भी शूट करो टायर्स को वो बर्स्ट नहीं होंगे, एज यू कैन सी. सो इट इज़ प्रिटी यूजफुल कम्पेयर टू द अदर व्हीकल्स इन गेम. व्हीकल बर्स्ट होता है बट येस, कम्पेयर टू द अदर व्हीकल्स इन गेम इट हैज़ द कैपेसिटी टू डील अ लॉट ऑफ डैमेज.
मैंने M4 का एक पूरा मैग शूट किया इस पे एंड सेकंड मैग भी किया, उसके बाद भी सिर्फ स्मोक निकला था व्हीकल से। और जब मैंने थर्ड मैग शूट करना स्टार्ट किया तब जाके व्हीकल एक्सप्लोड हुआ। तो बाकी व्हीकल से कंपेयर करे तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज डील कर सकता है व्हीकल, सो इट्स वेरी यूजफुल इन द गेम। अनदर थिंग दैट आई नोटिस आफ्टर द न्यू अपडेट इज कि पहले अगर हम लोग किसी भी व्हीकल के टायर्स को फिस्ट करते थे कंटिन्यूसली तो वो बर्स्ट हो जाते थे, बट फॉर सम रीज़न अब ऐसा नहीं होता है एज यू गाइज कैन सी। एक और जो नई चीज़ आई है वो है कि अब हम लोग गैस कैन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लोग इसी फीचर को लेके थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गैस कैन को मैंने यहाँ रखा है और इसको शूट किया और एक्सप्लोर हो गया। तो हम गन से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर कोई भी जो थ्रोएबल आइटम्स है जैसे कि ग्रेनेड या मोलोटॉव कॉकटेल्स, उनसे हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गैस कैन को एक व्हीकल के साइड में रखा टू सी कि व्हीकल उससे बर्स्ट होता है क्या। डैमेज हुआ बट एक गैस कैन में नहीं हुआ। दो गैस कैन एक्सप्लोर होने के बाद उसमें स्मोक निकला एंड थ्री गैस कैंस ने भी उसे बर्स्ट तो नहीं किया। एट लास्ट द व्हीकल एक्सप्लोरेड। सो एज यू गैस कैन सी इट टुक 5 गैस कैन टू एक्सप्लोर अ व्हीकल। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आप खुद पे गैस कैन को एक्सप्लोर करते हो तो कितना डैमेज होता है, तो वॉच दिस। सो एज यू गाइज कैन सी गैस कैन एक्सप्लोर होने के बाद माई एच पी इज़ लिटरली 1%। बट इफ़ यू नोटिस मैंने अपने आप को फुली बूस्ट कर रखा था, दैट्स द ओनली रीजन दैट आई डिडंट डाई। सो अब चेक करते हैं, मैंने खुद को बूस्ट नहीं किया है और मेरी एच पी एकदम फुल नहीं है, थोड़ी सी कम है। इफ यू कैन सी नाउ सी क्या होता है गैस कैन एक्सप्लोर करने के बाद। एज एक्सपेक्टेड आई एम डेड। एक और नया फीचर आया है जो कि है लेज ग्रैब। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मेरा प्लेयर नीचे गिरने वाला होता है मेरे को जल्दी से बस जंप बटन को 2 बार प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जो भी थोड़ा सा एज मिलेगा प्लेयर को वो उसे ग्रैब कर लेगा एंड नीचे गिरने से बच जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है वैसे ये। अब वो चिंकी में बहुत सारे बंदर दिखने वाले हैं हमें। कॉल जो नया फीचर आया है वो TDM मोड में आया है, स्लाइड करने का। वेन वी स्प्रिंट एंड क्राउच टुगेदर प्लेयर स्लाइड करता है। ये फीचर सिर्फ TDM मोड में है। लाइक क्लासिक में यू कैन नॉट स्लाइड लाइक दिस। आई कैन इमेजिन अगर क्लासिक में होता तो कितना क्रेजी होता, बट या TDM में आई थिंक इट्स अ फन फीचर टू ऐड समथिंग न्यू। एंड गाइस वी हैव अ न्यू हैलोवीन मोड। ये रैंडमली आता है व्हेन वी प्ले क्लासिक इरांगल। इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, काफ़ी डिफरेंट है ये नॉर्मल जो क्लासिक मैचेस होते हैं उनसे। लेट्स सी इसमें क्या क्या है। सो नॉर्मल गेम था, वी वेंट टू पचिंकी, जो लोग दिखे हमें उन्हें मारा एंड फिर हमने मैप पे देखा कि 3 जगह पर पर्पल कलर का पम्पकिन बना हुआ था। सो वी डिसाइडेड टू गो टू द नियरेस्ट पम्पकिन ऑन द मैप। सो मार्क पे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लैम्प्स और पम्पकिन्स हैं जिनमें लाइट थी। सो वी हैड टू चार्ज आर पम्पकिन, जो हम सबके पास ऑलरेडी गेम के स्टार्टिंग से था, उसे फुल चार्ज करना था। एंड फुल चार्ज करने पे उससे कुछ होना था, सो वी वर एक्साइटेड टू नो कि उससे हमें कुछ मिलेगा या क्या होगा। सो वी वर ऑल रियली सेल्फिश एट दिस टाइम कि पहले किसका पम्पकिन चार्ज होगा। तो सब जिसको जो लैम्प जो पम्पकिन दिख रहा था सब भाग रहे थे कि बस पहले खुद का कर लें फुल। लोटा उसका लोटा। ओह अभी
किसने सोचा था कि पंपकिन फेंकने पे ओम मिलेगी? लाइक सीरियसली. एंड गाइस, पंपकिन थ्रो करने पे एक और चीज होती है, यू गेट अ ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म. एक बटन आता है, व्हेन यू प्रेस इट यू ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैम्पायर. सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द न्यू फीचर्स. एक जो नया पेलोड मोड आने वाला है वो अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है. आई थिंक कुछ दिनों में आ जाएगा. दैट्स रियली एक्साइटिंग एक्चुअली. जो हेलीकॉप्टर आने वाला है पबजी मोबाइल में, लेट्स वेट फॉर दैट. जब भी आएगा मैं एक नया वीडियो बना दूंगी. बट लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कि मुझे नया बनाना चाहिए या नहीं, ज़रूर बताइएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. आई मीन जो लोग अभी तक देख रहे हैं, आई नो ज़्यादा लंबा हो गया. आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बट नहीं हो पाया यार. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू गाइस सून. डू लेट मी नो इफ यू लाइक इट और नॉट. बाय बाय, टेक केयर. For you, come along and see it's true, but the world